आज हम क्लास सेवेंथ की वर्कशीट 14 करेंगे एंड पहले हम सबसे पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राणियों में पोषण। अब प्राणी, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था अमीबा के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। तो जब भी कोई जंतु का पोषण होता है, वो खाना खाता है, तो उसकी सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उसकी पोषण की आवश्यकताएँ क्या हैं, क्या वो भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ क्या है, कैसे उसमें डाइजेशन होता है, और जो पचा हुआ भोजन है उसका उपयोग क्या है। तो हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि पोषण एक जटिल अभिक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। पोषण के अंदर अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर खाने का अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, निष्कासन शामिल है। ये पाँचों इसमें प्रक्रियाएँ हैं वो जटिल हैं और पाँचों के पाँचों पोषण में सहायक होती हैं। उसके बाद मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें भी कुछ अंग होते हैं अलग अलग, कैसे भोजन हमारे मुंह से और गुदा तक जाता है। तो सबसे पहले मुख गुहिका, मतलब मुंह, ग्रसिका, उसके बाद जो फूड पाइप होती है उसको ग्रसिका बोलते हैं, भोजन नली को। अमाशय पेट होता है, शुद्रांत, छोटी आंत, वृद्धांत, बड़ी आंत, जहाँ पर हमारा मलाशय स्टोर होता है, और उसके बाद गुदा के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। और घास खाने वाले जंतुओं में, हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इनमें एक छोटी आंत अलग होती है जो कि उस भोजन को एक साथ स्टोर करती है, फिर बाद में पुश आउट करके उसको जुगाली करने में हेल्प करती है। तो गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं और कुछ समय के बाद भोजन पुनः उनके मुंह में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते हैं। तो ये पशुओं के अंदर रुमिनेंट इसलिए कहा जाता है उनको। अब हमारे पाचन तंत्र, ये हमारा पाचन तंत्र है, इनमें हमें पांचों भागों को नामांकन करना है। जैसे यहाँ पर है मुख गुहिका, ये हमारी ग्रसिका है, ये स्टमक है, अमाशय, उसके बाद ये जो अंदर है ये छोटी आंत है, शुद्रांत, और ये बाहर वाली है बड़ी आंत है, और ये गुदा है। तो ये पांचों को लेबल करके, आपको इसको लेबल करके अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके लेबल करके अपनी नोटबुक में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव पोषण के मुख्य चरण क्या हैं। तो पोषण करने के लिए मनुष्य को किन किन विधियों की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंतर्ग्रहण, मतलब पहले खाना अंदर जाएगा, फिर पचेगा, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर उसका स्वांगीकरण होगा, फिर निकलेगा वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये पांचों के पांचों स्टेप हमारे भोजन में सहायक होते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 14 फॉर द सेवन्थ क्लास एंड द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एंड लेट्स रिकैप्चुलेट हाउ एनिमल्स न्यूट्रिशन, व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस इज देयर एंड व्हाट एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। That is the first one is what is the nutrient requirement and what is the mode of intake of food and utilization of the digested food in the body. These are the three steps in which are included in the animal nutrition. And before this, do you know digestion is a very complex process and it involving five steps. First one is ingestion, then digestion, then absorption, assimilation and egestion. And similarly, digestive system consists of buccal cavity, means mouth, or esophagus, food pipe, stomach, small intestine and large intestine ending in the rectum, and then waste product goes outside through the anus. And we have also studied about the ruminants. Ruminants are those animals which are eating grass, or grazing animals are called ruminants, like cow, buffalo, deer are known as ruminants because they quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen, and later the food returns to the mouth and animals chew it peacefully. So on the basis of the worksheet, you have to do these two questions. First of all, you have to draw the figure of digestive system and label its parts, like mouth, and this is food pipe, and this one is the stomach, and this is small intestine, and this is the large intestine, and this is anus. And there are the few digestive steps like the ingestion and digestion, absorption, assimilation and egestion. So you have to write all these different steps of digestion in the human beings. I hope you understand the concept of digestion or the modes of nutrition in the animals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.